डीएवी सेंटेनरी कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हैं। आज डीएवी में नुक्कड़ नाटक के कंपटीशन था, कॉन्टेस्ट का नाम था गूंज, और मेरे साथ पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं वो ARSD आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली से आई हुई टीम है रंगायन। रंगायन की टीम से बात करते हैं उनकी आज की प्रस्तुति के बारे में। हाय, आपका नाम बताइए। मैं गौरव शर्मा। गौरव, हमें बताइए कि ये प्ले का नाम क्या था और कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे। मैम, इस प्ले का नाम है सरनेम, और कॉन्सेप्ट ये था इस प्ले का कि हम डेली लाइफ में हम अपने पापा से थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हमारे थॉट्स हमारे पापा से थोड़े थोड़े दूर चले जाते जा रहे हैं। जैसे हम मम्मी के हमेशा क्लोज रहते हैं, घर आते मम्मी कहाँ है, हम कभी नहीं पूछते पापा कहाँ है। तो हम बस ये थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट जो कम होती जा रही है उसे बताना चाह रहे थे लोगों को, कि लोगों को पता चले कि हाँ हम कहाँ थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, कहाँ पापा के खिलाफ, मतलब पापा के लिए हमारे जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते जा रहे हैं। तो बस यही था हमारा टॉपिक। एक गर्ल चाइल्ड से पूछते हैं, आपका नाम बताइए। याशिता, व्हाट वाज द कांसेप्ट, व्हाई फादर नॉट मदर? बिकॉज जैसे उन्होंने बोला कि मदर के बारे में सब लोग बातें करते रहते हैं, और बहुत सारी हर सिचुएशन में हमें मदर की नीड होती है, जबकि इक्वली इम्पॉर्टेंट फादर भी होते हैं उस टाइम पे, और बट द अनसंग अनटोल्ड स्टोरी जो हम कह सकते हैं कि उनकी रहती है हमेशा, कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं हमारे लिए, वो लोग हम देख के भी इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ हम व्यू में लाना चाहते थे। फादर का रोल किसने प्ले कर रहा था? बहुत इमोशनल था। सबसे पहले तो अपने पापा का पूरा रिवाइंड एक बार चला गया था कि पापा ने कैसे मेरे साथ किया था, और मैंने उस समय क्या रिएक्शंस थे अपने पापा के लिए, तो फिर उसी को लेके पूरा एक्सपीरियंस था, और उसी पे मैंने पूरी अपनी एक्टिंग प्रेजेंट करी। Has your father seen your performance? नहीं मैम, अभी तक नहीं सोचा। होपफुली देखें मैम, अभी मैम कंपटीशन स्टार्ट ही हुए हैं तो इसलिए दिखा नहीं पाया, अभी डैड आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, आ रहे हैं तो एक बार देखेंगे फिर। आई थैंक द रंगायन टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम ऑलरेडी बिफोर द रिजल्ट्स बीइंग अनाउंस्ड। आई गेस देयर्स वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। दिस इज एकता रमन फ्रॉम न्यूज़ NCR फरीदाबाद। थैंक यू।